Thank you. चलिए, हेलो दोस्तों। और कैसी पढ़ाई चल रही है सब लोगों की? आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत टर्म है या कॉन्सेप्ट है, जिसका असर इकोनॉमी के सब लोगों पे पड़ता है, सभी लोगों के ऊपर पड़ता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो और चाहे वो फर्म हो और चाहे सोसाइटी एज सच हो। क्या मतलब है इन्फ्लेशन से? किसी से भी आप बात करें कि भाई इन्फ्लेशन हो गया, तो लोग क्या बताएंगे? कम्युनिटी का प्राइसेज बढ़ गया, सर्विसेज का प्राइसेज बढ़ गया, ठीक है ना? यही बात यहाँ भी है, बिल्कुल सही है। राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इन्फ्लेशन, है ना? इन अदर वर्ड्स, इट इज नथिंग बट द राइज इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। कि भाई जनरल प्राइस लेवल जो भी है, अगर उसकी गुड्स एंड सर्विसेज का एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या नाम देंगे? हम इसे नाम देंगे कि भाई यहाँ पे इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन पॉइंट टू पॉइंट में मेजर किया जाता है, ईयर टू ईयर बेसिस पे। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन अगर अभी 10% हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 10% आज कौन सा डेट है? आज मान लीजिए 8 नवंबर 2020 है, तो इसका मतलब 8 नवंबर 2000, आज 21 है, तो 8 नवंबर 2020 की तुलना में आज 10% बढ़ गया। मतलब जो भी प्राइसेज हैं उनका एवरेज जो इंक्रीज है वो 10% बढ़ गया, ठीक है ना? देखिए, ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है इन शॉर्ट रन। मतलब अगर आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम करना चाहेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे या बढ़ जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। बट इन लॉन्ग रन में प्राइस स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। कैसे? अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए हर कंट्री, हर देश की सरकार इन्फ्लेशन को लंबे समय में एक डिजायर्ड रेट पर रखना चाहती है, उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश नहीं करती है, और अगर कभी बढ़ जाए तो उसको ठीक भी करने की कोशिश हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से ज़रूर करती है, ठीक है? इन्फ्लेशन की जो मेजरमेंट होती है वो एक प्राइस इंडेक्स के थ्रू मेजरमेंट होता है। प्राइस इंडेक्स और कुछ नहीं है, वो परसेंटेज नंबर दैट शोज द एक्सटेंट प्राइसेज है चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड इन कंपेरिजन टू द बेस ईयर। मतलब ये हमारा बेस ईयर है या एक टाइम है, इसकी तुलना में आज के समय में कितना बढ़ा है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। यही कहलाता है इन्फ्लेशन। कई तरह का हो सकता है इन्फ्लेशन। अगर हम रेट के हिसाब से देखें तो इन्फ्लेशन बहुत ही कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और बहुत 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 ज़्यादा हो सकता है। एक को बोलते हैं दोस्तों क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन 2 से 3% हो, माइल्ड इन्फ्लेशन हो, लो इन्फ्लेशन हो, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है कि नहीं? ये एक अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स को अच्छा प्रॉफिट मिलता है और वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये इन्फ्लेशन मैनेजेबल होता है। इस इन्फ्लेशन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बोलते हैं क्रिपलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है? दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन, कई बार हम इसको ट्रॉलिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। When the rate of rising prices is more than crippling inflation, say 1-3% ना हो कि उससे कहीं ज़्यादा है, 3-10%, तब हम इसे बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। मतलब अब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया है। छः सात 8% ये खतरे की घंटी है, ये वार्निंग है कि भाई इन्फ्लेशन अब चलना शुरू हुआ है तो दौड़ना भी शुरू करेगा। अगर चेक नहीं किया तो फिर ग्लोपिंग इन्फ्लेशन रनिंग इन्फ्लेशन का रूप ले लेगा। किसे बोलते हैं ग्लोपिंग इन्फ्लेशन? जब 10 से ज्यादा हो लेकिन 50 से कम हो।
तब हम इसे बोलते हैं ग्लोबिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू दिस बिजनेसेज एंड एम्प्लॉयज बिकम्स एम्प्लॉयज कम कुड नॉट कीप विद द कॉस्ट एंड प्राइसिंग। हम देखो एम्प्लॉय का तो वही है, उसकी सैलरी तो इस हिसाब से बढ़ती नहीं है, लेकिन यहाँ 10, 20, 30, 40% बढ़ने लगा साल का, तो फिर ऐसे सिचुएशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इकोनॉमी अनस्टेबल होने लगती है, फॉरेन इन्वेस्टर आने से मना करते हैं, और तब हम इसे बोलते हैं कि ये खतरनाक मोड़ ले रहा है, रनिंग या होपिंग इन्फ्लेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबिंग याद रहेगा। फिर उसके बाद आती है हाइपर इन्फ्लेशन। भाई हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? ये वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन है जहाँ प्राइस राइज जो होता है अलार्मिंग हाई रेट पे होता है, मोर देन 50% एवरी मंथ। हाइपर इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तब हाइपर इन्फ्लेशन होता है। ऐसे में वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी रिड्यूस टू ऑलमोस्ट जीरो, पेपर करेंसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा हो सकता है कि आप बोरे में नोट ले जाएंगे और झोले में सब्जी लेकर आएंगे, ठीक है कि नहीं? बोरे में नोट और झोले में सब्जी, खतरनाक सिचुएशन है। इसका मतलब मनी के जो चार फंक्शन है जिसमें से एक है स्टोर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये काम करना छोड़ दिया। पैसा रखने का कोई मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, ठीक है कि नहीं? और मीडियम ऑफ एक्सचेंज में भी कोई मतलब नहीं। सोचो ना, एक बोरा हम लेके जा रहे हैं और 2 किलो आलू लेके आ रहे हैं, कोई मतलब हुआ इसका? हाइपर इन्फ्लेशन वाज एक्सपीरियंस्ड इन हंगरी, इन जिम्बाब्वे, आजकल वेनेजुएला में बहुत हाइपर इन्फ्लेशन है, 130,000%। अभी पीछे ईरान में भी प्रॉब्लम हो गई थी, ईरान में तो इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि उन्हें अपनी करेंसी को चेंज करना पड़ा, रियाल से तुमान में आना पड़ा, 1 तुमान = 10,000 रियाल, ठीक है कि नहीं? घिरान भी एक नई डोमिनेशन इंट्रोड्यूस करी है जिसमें उन्होंने कहा कि 100 घिरान = 1 तुमान, तो मजबूरी में ना रियाल को ख़त्म करना पड़ा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रिसिएटेड हो गया था ड्यू टू इंटरनेशनल सैंक्शन, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की कमी हो गई थी और इसके चलते प्राइसेज एकदम से शूट आउट हो गए, सप्लाई साइड प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोस्तों अब चारों बातें याद रखेंगे, ध्यान रखे चारों बातें। भाई पहला था इन्फ्लेशन जब धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, दूसरा इन्फ्लेशन जब चलने लगा, तीसरा जब दौड़ने लगा, और चौथा तो पूछो ही मत, हर बाउंड्री को तोड़ दिया। तो एक को बोलेंगे क्रिपलिंग, एक को बोलेंगे वॉकिंग, एक को बोलेंगे ग्लोबिंग, और एक को बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉज वाइज, किस कारण से हुआ? अभी तक तो हमने परसेंटेज वाइज देखा, अब हम बात करने जा रहे हैं कॉज वाइज, किस कारण से ऐसा हुआ हम इसकी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम कॉज वाइज की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इट इज कॉज बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लो रेट ऑफ सेविंग बाय हाउस होल्ड, डिप्रिसिएशन इन लोकल एक्सचेंज रेट, रिडक्शन इन टैक्सेस, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट। ठीक बात है? तो कई कारण से डिमांड साइड पुल, मतलब चीजों की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ गई है, लोग पैसा बचा कम रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन इन लोकल करेंसी हो गई है, बाहर की तुलना में बहुत डिप्रिसिएट हो गया है, इसका मतलब इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है, टैक्स कम होने से लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा है खर्च करने के लिए, इंक्रीज इन मनी सप्लाई और बैंक क्रेडिट हो गया है, तो कई तरह की बातें हैं। इट लीड टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ेंगे नेशनल इनकम के अंदर, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है हाउस होल्ड के हाथ में जो पैसा है अगर वो किसी कारण से बढ़ जाए तो जाहिर है वो खर्चा करेगा। जैसे बच्चों के हाथ में पैसा बढ़ जाता है तो चॉकलेट खाने वाला भी बोलता है आइसक्रीम खाएंगे, है कि नहीं? आइसक्रीम खाने वाला बोलता है कि बड़े वाला आइसक्रीम खाएंगे, वही वाली बात यहाँ है। देयरफॉर रिजल्टिंग द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विदाउट एनी चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई में चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड बढ़ गया। टू चेक दिस इन्फ्लेशन द सप्लाई नीड टू इंक्रीज टू मैच द इंक्रीज डिमांड, हेंस रिलीविंग द इकोनॉमी फ्रॉम हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है कि नहीं? सप्लाई नीड टू इंक्रीज टू मैच द इंक्रीज डिमांड,
रिलीविंग द इकोनॉमी फ्रॉम हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ऐसे केस में भाई देखो क्या करना पड़ेगा, या तो सप्लाईज बढ़ाओ ताकि डिमांड को मैच करे, या फिर मार्केट में पैसे कम करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करो, प्राइवेट स्पेंडिंग को कम करवाओ, तब जाके बात बनेगी। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट बढ़ गई तो क्या करें, हम इसको कई बार सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, कि जब जनरल प्राइस राइज जो है ना, कॉस्ट ऑफ या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ जाए गुड्स एंड सर्विसेज के, जैसे लैंड की रेंट बढ़ जाए, मजदूरी बढ़ जाए, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए, इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाए, तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये होता है, जैसे वेजेज बढ़ जाए तो यूनिट कॉस्ट महंगी पड़ेगी, अब महंगी पड़ेगी तो भाई दाम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। वेन सप्लाई ऑफ इनपुट इज रिड्यूस्ड इट लीड टू द इंक्रीज प्राइस, एंड इवन वेन द प्रोडक्शन इज एडवर्सली इम्पेक्टेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर लाइक ड्रॉट, फ्लड, फेमाइन, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो फिर वैसे सिचुएशन में सप्लाई कम हो जाती है, फसल ख़राब हो गई तो जाहिर है उस चीज़ का दाम तो बढ़ ही जाएगा ना। आप देखते हैं सब्जी उब्जी में टेम्प्ररी इन्फ्लेशन आ जाता है, जैसे बरसात हुई सब्जी की फसल ख़राब हो गई, अब नई फसल 20 दिन 25 दिन बाद आएगी, तुरंत तुरंत प्राइसेस शूट हो जाते हैं। कई बार तो एक्सपेक्टेशन में प्राइस शूट हो जाता है। 1973 में सभी तेल उत्पादक देशों ने मिलकर दाम बढ़ा दिया तेल का। अब ओपेक कंट्री ने दाम बढ़ा दिया, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज कर दिया, नतीजा ये हुआ कि तेल के बेसिस पे सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है, आगे फ्यूल है वो प्राइम फ्यूल है, तो सब कुछ का दाम बढ़ गया, पूरे ग्लोब में इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। इसके और भी कई कारण हैं, मान लो इनडायरेक्ट टैक्सेज बढ़ जाए, जीएसटी वगैरह, या इम्पोर्ट प्राइसेज बढ़ जाए, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो भी भाई कोई भी कारण हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्राइस तो बढ़ेगा ही, अल्टीमेटली तो कंज्यूमर से ही पैसे लेने हैं ना, तो फिर आपका इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ये तब होता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर कुछ डिफिशियंसी एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी में, जैसे बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है, इनफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टोरेज में बहुत सारा सामान खराब हो जाता है, स्टोरेज फैसिलिटी है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में धीरे 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 परसिस्ट करते 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 वो इन्फ्लेशन रेट एकदम से बढ़ने लगता है। कहीं भी सप्लाई साइड प्रॉब्लम होगी तो तुरंत नहीं होगी, लेकिन ओवर द पीरियड तो इसका असर होगा ही होगा, तो इस बात का हमें यहाँ पे ध्यान देना है। डी डिफिशिएंसी इन द इकोनॉमी लीड टू शॉर्टेज विच टर्न कॉज इन्फ्लेशन, इससे शॉर्टेज होती है विच इन टर्न कॉज इन्फ्लेशन, और जिसके चलते इन्फ्लेशन हो जाता। याद रहेगा दोस्तों, चले बेटा आगे, चलिए और आगे बढ़िए। मेथड्स ऑफ मेजर इन्फ्लेशन या मेथड्स टू मेजर इन्फ्लेशन, कई तरह से हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। एक तो होता है होलसेल प्राइसेज, एक होता है कंज्यूमर प्राइसेज इंडेक्स, और एक होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर हम लोग वहाँ भी पढ़ते हैं, और आपको ध्यान हो तो जीडीपी डिफ्लेक्टर की बात नेशनल इनकम में भी होती है, जब हम नेशनल इनकम की पढ़ाई पढ़ेंगे तो वहाँ हम बात करेंगे। चलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स, इट मेजर्स द चेंज इन होलसेल प्राइसेज ऑन ए मंथली बेसिस, प्रीवियसली इट वाज वीकली बेसिस। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, उसको हम मंथली बेसिस पे मेजर करते हैं। सबसे पहले इंडिया में 1942 में पब्लिश हुआ, एट प्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्री कंप्लाई एंड पब्लिश होलसेल प्राइस इंडेक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में सुमित्रा चौधरी को होलसेल प्राइसेज मेथड इंडेक्स को मेथोलॉजी चेंज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए अपॉइंट किया था। जो सिचुएशन है वो ये है, इट टेक्स 697 कमोडिटीज ऑफ वेरियस टाइप्स टू मेजर इन्फ्लेशन, बट इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सर्विसेज, अभी भी सर्विसेज को शामिल नहीं किया गया, और हम लोग एक्स फैक्ट्री प्राइस लेते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट अकाउंट फॉर द प्राइस कमोडिटी बिफोर इट रीच द कंज्यूमर, मतलब फैक्ट्री गेट पे क्या है, कंज्यूमर को क्या मिलता है वो छोड़िए,
इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम शामिल नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन है, वो फिजिकल पॉलिसी का उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी तो टैक्स को इम्पैक्ट करता है, उसका उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। हम लोग बात करते हैं बेस ईयर की, ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर का मतलब है एक ऐसा बेस जिसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन की बात कर सकते हैं ना। वो आदमी बहुत धनी है, बहुत धनी है का मतलब क्या है, किसी दूसरे की तुलना में बहुत धनी है, वरना हो सकता है कि किसी और की तुलना में गरीब भी हो। तो यहाँ पे यही देखा जाता है कि भाई एक हमारा बेस ईयर होना चाहिए और उसके बेसिस पे हम इन्फ्लेशन की गणना करेंगे। लेकिन बेस ईयर कैलकुलेट करते समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? वो ऐसा ईयर हो जिसमें मानसून की डिफिशेंसी उतनी ज़्यादा ना हो, मतलब एबनॉर्मल ना हो, कोई नेचुरल क्लाइमिटी ड्रॉट या फेमाइन ना हो, कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन या अलार्मिंग रेट से इन्फ्लेशन का ना हो, अनस्टेबल ईयर ना ही होना चाहिए वो, और मच गैप बिटवीन बेस ईयर एंड करंट ईयर, और करंट ईयर से बहुत दूर का नहीं होना चाहिए। मान लो 2021 का प्राइस हम मेजर कर रहे हैं और इसको हम 2001 के प्राइस से मेजर करें, इसका कोई मतलब है? तो बेस ईयर आपका एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। अब 2020 या 21 को बेस ईयर नहीं मान सकते, तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई आप सब जानते हैं किस किस चीज़ की परेशानी हुई है। डू यू नो किस चीज़ की परेशानी हुई है? सबको पता है यार, कोविड की परेशानी हुई है। लॉकडाउन रहा है, लॉकडाउन में इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन क्या होगा, एबनॉर्मल ओरिजन्स है, इसीलिए हम इसको ध्यान नहीं देंगे। चला जाएगी करंट जो बेस ईयर आजकल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है वो 2011-12 साल को करती है, उसको 100 मानती है और उसके बेसिस पे हम बात करते हैं। जो कमोडिटी ब्रैकेट है जो 697 कमोडिटी का है, उसमें तीन मेन कैटेगरी बनाया है। एक तो प्राइमरी आर्टिकल रखा है जो हर घर की जरूरत है, जैसे सीरियल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिनरल्स है। एक फ्यूल एयर पावर है, कोल, तेल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, और एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। और इन सबका अपना वेट ले रखा है, मतलब कौन सी कमोडिटी हम कितनी लेंगे, ये यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, ठीक है। 2004 की तुलना में देख लीजिए, कुछ बढ़ी हैं और कुछ घटी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नए में प्राइमरी आर्टिकल्स को हमने थोड़ा सा बढ़ाया है और पावर और मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स को थोड़ा सा हमने कम किया, लेकिन इतना भी ज़्यादा चेंज नहीं है, तो ये बहुत काम की बात नहीं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अब जो फूड इंडेक्स है होलसेल प्राइसेस का, टू मॉनिटर द फूड इन्फ्लेशन मोर इफेक्टिवली, इन्होंने एक फूड इंडेक्स को अलग से करना चालू किया, क्योंकि फूड इंडेक्स जो है ना वो गरीबों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, गरीब उससे सीधे खतरे में आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसका अलग से 2017 से इन्होंने करना शुरू किया। इट मीजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ फूड आइटम एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर, एग्रीगेट ऑफ ऑल द फूड आइटम्स विद इन द लिस्ट अंडर WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज कंसिडर्ड टू कम्प्लीट द फूड इंडेक्स एज पर इकोनॉमिक सर्वे। जो इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 4.2 था, वो 6.7 था, लेकिन अब की बार 4.2 हुआ है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है, ठीक है ना, जो प्रोविजनल एस्टिमेट आया है उसके बेसिस पे। अब आइए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, इट मीजर्स द चेंज इन रिटेल प्राइसेज ऑन द मंथली बेसिस, इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं। इट फोकस ऑन होमोजेनियस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर्स वैसे हो जो सेम तरह के हो, सेम तरह के कम्युनिटी बास्केट को इस्तेमाल करते हैं। तो देखा गया कि भाई इंडिया में दो तरह का मेन हो सकता है, एक तो रूरल हाउस होल्ड और एक अर्बन हाउस होल्ड, ये दो तरह की बातें हम कर सकते हैं, रूरल और अर्बन हाउस होल्ड की बात कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ, अब हम CPI की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर, बेस ईयर 2016 है, कौन कंपाइल करता है? लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर लेबरर, वो CPI, रूरल लेबरर, और यहाँ पर जो सब कुछ है कंबाइन करके 2012।
सीपीआई रूलर, सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइन, ये 448 आइटम रूलर में और 460 आइटम अर्बन ब्रैकेट में लेता है। इन्होंने जो अपना बेस ईयर था वो 2012 कर दिया। फॉर कंप्यूटिंग डीए सीपीआई यूज नॉट होलसेल प्राइस, रीजन इज वेरी सिंपल, कस्टमर को जो पे करना होता है वो तो वहां पे करना होता है ना, तो हम होलसेल प्राइस ही लेकर क्या करेंगे, ठीक ना। फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक सिंस 2015 यूज सीपीआई कंबाइन होलसेल नहीं। फॉर पॉलिसी मेकिंग बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट ऑफ उर्जित पटेल कमोडिटी, ठीक है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो बेसिकली सीपीआई कंबाइंड ही होता है, ठीक है। ये उनका रिलेटिव वेट दिया गया है कि चीज में हम कौन सी बातें रखते हैं। पढ़िए, फूड इंडेक्स रिलीज 2014 में हुआ, पॉइंट टू पॉइंट मंथली बेसिस पे लेते हैं। सेलर एंड प्रोडक्ट्स कैटेगरी हाई द हाईएस्ट वेटेज इन कंप्यूटिंग। अदर सब ग्रुप मिल्क है, वेजिटेबल्स है, आयल है, फिश है, मीट है, एग है और भी बहुत सारी चीजें। ग्लोबली FAO फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट रिवील्स द मंथली चेंजेज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ फूड कमोडिटी। इट कंसिस्ट ऑफ 5 कमोडिटी ग्रुप्स, सेरल्स, वेजिटेबल्स, मीट, डेयरी और शुगर, ठीक है। ये मार्च 2000 को 172.2% था, जो 2000 मार्च 2019 से 4.5 पॉइंट ज्यादा था, ठीक है। आइए देखिए, कई लोग बोलते हैं कि सीपीआई एक बेटर मेजरमेंट है WPI से, क्योंकि ये कंज्यूमर जो एक्चुअली पे करता है उसकी बात ये करता है, ठीक बात है कि नहीं। भले इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है लेकिन ये ज्यादा बेटर है, और पॉलिसी डिसीजन, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन मेकर को इसी के बेसिस पे अपनी काम, अपनी बात को करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने दो तरीके से बात कर ली कि भाई एक सीपीआई से कर सकते हैं, एक WPI से कर सकते हैं। भाई एक बात करते हैं GDP इन्फ्लेटर। आपने ध्यान दिया होगा सीपीआई WPI में क्या है, एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तो बाकी चीजों में भी हो रहा है। तो इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को जानने का तरीका होता है GDP डिफ्लेटर। ये कुछ नहीं है, ये रेशियो ऑफ GDP एट करेंट प्राइसेज और GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइसेज है। कहने का मतलब है ये 2011 का हमने बेस लिया है और 2020 पे हम खड़े हैं। यहां 100 है, ये बेस है हमारा। अब उसके बेसिस पे मान लीजिए अब की बार का GDP आ रहा है, एक अंदाज ले लेते हैं 120 करोड़ करेंट प्राइसेस पे। लेकिन अगर हम बेस प्राइसेस पे लें तो हमारा GDP आ रहा है, लेट सपोज 100। तो बेसिकली जो GDP 100 होना चाहिए वो करेंट प्राइस के चलते 120 हो जा रहा है। अगर वही प्राइस हम लेते 2011 वाला बेस ईयर वाला तो ये 100 होता है, लेकिन अभी ये बढ़ के 120 हो जा रहा है। इसका मतलब किसी न किसी चीज का दाम तो प्राइस के चलते बढ़ा है ना, कम्युनिटी के चलते तो बढ़ा नहीं, बढ़ा प्राइस के चलते इतना बढ़ा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं GDP डिफ्लेक्टर। करेंट प्राइसेज कॉन्स्टेंट प्राइसेज मान लीजिए 1.2 आ रहा है, इसका मतलब बेस ईयर से अभी तक 20% आपका प्राइस इंक्रीज हो चुका है, ठीक है कि नहीं। 1 है इसका मतलब कोई जनरल प्राइस मूवमेंट नहीं है, मोर देन 1 है मतलब प्राइस लेवल हाई हो रहा है, और लेस देन 1 है इसका मतलब डिफ्लेशन है। ये ज्यादा अच्छा मेजरमेंट माना जाता है क्योंकि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है, लेकिन इट इज नॉट यूज्ड टू फ्रेम शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन टारगेट पॉलिसीज
बिकॉज जीडीपी आर नॉट अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस। अब जीडीपी के जो डाटा हैं वो तो साल साल पर बेसिस में ही आपको मिल पाएंगे, तो आपको तुरंत किसी चीज़ को कंट्रोल करना है तो कैसे कर पाएंगे, जीडीपी का डाटा ही अवेलेबल नहीं होगा। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा काम का नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डाटा इजीली अवेलेबल नहीं होता है। चले बालक, अब आइए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। देखिए पीपीआई मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना, वेयर सीपीआई मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम कंज्यूमर्स बायर्स प्रोस्पेक्टिव। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं ना सीपीआई का या होलसेल का, वो कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से बात हो रही थी, प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्टिव से भी तो बात करनी चाहिए। ये वो प्राइसेज है जिसके लिए प्रोड्यूसर रिसीव करता है फ्रॉम हिज गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब हमें इसमें इनडायरेक्ट टैक्स के इम्पैक्ट को नहीं लेना है, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लेता है, जबकि आपको याद होगा होलसेल प्राइसेज में हम सर्विसेज नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें डबल या मल्टीपल काउंटिंग की कोई बात नहीं रहती क्योंकि हम सप्लायर से बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बीएन गार्डर कमिटी बनाया ये बनाने के लिए कि क्या पीपीआई को होलसेल प्राइसेस से रिप्लेस किया जाए या नहीं, और किया जाए तो क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। उसने कहा कि शिफ्ट फ्रॉम WPI टू PI ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस आप कर सकते हैं, डाटा फ्रॉम सप्लाई यूज टेबल टू बी यूज टू कंप्यूट एक्सपेरिमेंटल PPI, बेस ईयर होना चाहिए 11-12, टू इंक्लूड सर्विसेज प्राइसेस भी आपको करना चाहिए, मेजर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आइटम को भी हमें इसमें काउंट करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए, और इट इंक्लूड्स सर्विस प्राइसेज ऑफ PPI बास्केट, टू इंक्लूड मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आइटम, आपको इसको भी ध्यान देना है, द नंबर ऑफ एडवांस इकोनॉमी लाइक USA एंड इवन सम इमर्जिंग इकोनॉमी ऑलरेडी शिफ्टिंग इंस्टेड ऑफ WPI, यानी कि ये भी इसका केस है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी रिकमेंड किया है कि आपको PPI लेना चाहिए होलसेल प्राइसेज इंडेक्स की बजाय टू मेजर द इन्फ्लेशन, तो उनकी तरफ से भी ये बात आ रही है, ठीक है। आगे कुछ और टर्म्स सुन लीजिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन ये काम आ सकता है प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन में, दिस इट इज व्हाट कंज्यूमर एक्सपीरियंस, इट इज ए रॉ इन्फ्लेशन फिगर रिपोर्टेड थ्रू CPI कंबाइन, इट इंक्लूड्स बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कैटेगरी ऑफ आइटम, इट इज बेस्ट अंडरस्टूड वेन कंट्रास्टिंग विथ कोर इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन क्या है, इट इज कंप्यूटेड बाई पॉलिसी मेकर टू एनालाइज इन्फ्लेशन डाटा विच एक्सक्लूड मोर वोलेटाइल कैटेगरी, लाइक फूड आइटम को हटा दो, एनर्जी को हटा दो, और फिर बात करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग CPI बाई एक्सक्लूडिंग द एपोसिएट कैटेगरी टू रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ टेम्पररी एंड शॉर्ट टर्म शॉक, इसको हटा के जो हम बात करेंगे इसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन वो है जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है, ये रॉ इन्फ्लेशन फिगर है, इसमें वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सारी चीजें हम शामिल मानते हैं, सारी चीजें हम शामिल रखते हैं। आइए कुछ कॉज की बात कर लेते हैं। देखिए इन्फ्लेशन किसी भी कारण से हो सकता है, या तो एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड बढ़ जाए, या एग्रीगेट सप्लाई फॉल हो जाए, या दोनों हो एक साथ। देखिए सप्लाई साइड की अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो इसमें ऐसा कई बार होता है कि भाई राइज इन नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ गए लेकिन नॉन डेवलपमेंट वाले मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन होना ही है। डिफिसिट फिनेंसिंग करेंगे, आपने फंड बोरोइंग कर लिया फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम और उसको खर्च कर दिया आपने, जाहिर है मनी की सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई साइड फैक्टर या कॉज फॉर इन्फ्लेशन, इरेटिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन,
बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी ऑन मानसून और एक्सट्रीम वेदर इवेंट अल नैनो, मान लो मानसून पर डिपेंडेंट नहीं आया या अल ओनिनो इम्पैक्ट आ गया, एकदम से मानसून हुआ ही नहीं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी बाई बिग फार्मर एंड होलसेलर, गल्ले वालों ने प्याज दबा लिया, आलू दबा लिया, धान गेहूं दबा लिया, तो फिर वैसे सिचुएशन में दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब सपोर्ट प्राइस ही गवर्नमेंट ने हाई कर दिया तो जाहिर है मार्केट में तो उसे महंगा ही मिलेगा, तो ये सब असर पड़ सकता है, ये सब बातें हो सकती हैं। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन में बात बता दूं, ये जो है ना चैप्टर, ये प्रिमरी के हिसाब से बड़े काम का है, प्रिमरी में इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं। मेंस में तो इसका कम इस्तेमाल है लेकिन प्रिमरी में इसका बहुत सारा इस्तेमाल है। आइए, इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन ऑन लेंडर या बोरोवर। देखिए, इन्फ्लेशन बेनिफिट द बोरोवर वेयर इट कॉज लॉस टू द लेंडर्स। ठीक है, आप कहेंगे कैसे? देखिए, बोरोवर ने जो मनी बोरो किया था 100 रुपए और 10 रुपए जोड़ के 110 लौटा रहा है, सपोज करो तब से इन्फ्लेशन ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो बेसिकली तो उसने जो लौटाया उसकी वैल्यू तो कम है, मनी की वैल्यू कम है, कहने को 110 लौटा रहे लेकिन हो सकता है वो 100 के बराबर भी ना हो। ठीक है, तो बोरोवर को तो फायदा हो गया लेकिन जो क्रेडिटर है उसको नुकसान। उसने जब दिया था तो 100 रुपए की परचेजिंग पावर ज्यादा थी, हो सकता है अब 110 की परचेजिंग पावर उतनी ना हो, तो ये तो नुकसान हो गया। द बॉन्ड गिव्स ए फिक्स्ड रिटर्न आफ्टर मैच्योरिटी, द बॉन्ड होल्डर टेंड्स टू लॉस ड्यू टू राइज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जाहिर है लोन देने वाले को नुकसान है, हो सकता है इंटरेस्ट का रेट 6% हो, इन्फ्लेशन 10% हो, तो निगेटिव हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हमें नुकसान ही तो हो रहा है। फिक्स्ड इनकम ग्रुप, उनको तो वही पैसे मिलेंगे, इन्फ्लेशन हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज जो कम कर पाएंगे। बिग फार्मर और बिग बिजनेसमैन, उनके लिए फायदेमंद है क्योंकि वो स्टॉक दबा कर रखते हैं, इन्फ्लेशन के बाद महंगा बिकते हैं, उनको फायदा है। एक्सचेंज रेट, देखो इसके चलते क्या होता है कि एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएट कर जाता है, इससे एक्सपोर्टर को फायदा होता है, अब वो सामान बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये भी हो सकता है कि डोमेस्टिक में इतना पैसा मिल जाए जितना बाहर ना मिले, तो क्या पता हम यही बेचने लगे। एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, सामान की डिमांड है तो ज्यादा वो लेबर चाहिए बनाने के लिए, खूब बनता है, तो ये शॉर्ट टर्म में हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है। सेविंग मार्जिनल प्रोपेंडेंसी टू सेव डिक्रीज कर जाती है, पता है बाद में कुछ फायदा होना नहीं है, अभी खर्च कर लो। और कई बार ऐसे सिचुएशन में हम नॉन प्रोडक्टिव एसेट लाइक गोल्ड वगैरह में भी हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। इनइक्वालिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है क्योंकि गरीब आदमी का सारा पैसा खत्म हो जाता है, धनी को तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, तो इस बेचारे की और सेविंग नहीं होती, इनकी और एसेट्स का नहीं हो पाता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और खराब हो जाता है। और फिजिकल डिफिशियंसी की बात करें तो इट मे गिव राइज टू इन्फ्लेशन एज गवर्नमेंट नीड टू गिव मोर सब्सिडी इन ऑर्डर टू मेक गुड्स अफोर्डेबल टू लो इनकम ग्रुप। ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट आया है इन्फ्लेशन का एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर होता है, इसको A.W. फिलिप्स ने कुछ रियल लाइफ के डाटा इसको लेके 1958 में एक थ्योरी दी जो बड़ा फेमस हुआ। इसने कहा कि बेसिकली देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हायर द इन्फ्लेशन लोअर द एम्प्लॉयमेंट, लोअर द इन्फ्लेशन हायर द एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने ऐसा ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट पाया, तो इनका ये कहना था कि देखो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, ये एम्प्लॉयमेंट की लाइन है, ये इन्फ्लेशन की लाइन है। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को घटाने की कोशिश करोगे तो जाहिर है
गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। इसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करी, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखा गया कि ऐसा नहीं था। ये जैसा कह रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही बात हो, ऐसा नहीं था। ओवर द पीरियड इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ कमजोरियां दिखाई दी, ठीक है ना। हम उनकी बात भी करेंगे, लेकिन आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। हम लोग अपनी अगली क्लास में इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आप सब जानते हैं टॉपर्स आईएएस शाम के 6 बजे, 6 से 7, 7 साढ़े 7 जो भी है, डेली बेसिस पे आपके लिए जनरल स्टडीज की क्लासेज लेकर आता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें, जिससे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो है आपके, उनमें अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और इसकी जो क्लासेज होती है शाम को 6 से 7, सभी बच्चों के लिए ओपन है ये, इसको देखिए। आजकल हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, लेकिन बहुत ही जल्दी इसके अंदर हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। डेली बेसिस पे आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद। और भी जो चीज़ें चाहते हैं आप हमें कॉमेंट में यहाँ पे बताते रहें, हम और हमारी टीम वो चीज़ें आपके सामने लेकर आती रहेंगी।